नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया था और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी से दुखी हो रहे हैं जो देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं बोल सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद हो रहा है। बारात बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते देख कर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी क्या कई हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले गई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। तो शुरू करते हैं हम आज का कह कई हर्षित एही बाति मनोमुदित दवलाई किराती सुतहिं सोच के देखी मनुहारे पूछत ने हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस प्रकार हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछ निजी कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुलक्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुने सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल संपापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, मैं मंत्रा सहाय बिचारी, कछुक काज बिजी बीच बिगारे भूपति स्वरपति पग पग धारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी बिचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में सारा काम बिगाड़ दिया। वह ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत कही विवश विषादा, जनु सहमे हो करी केहरी नादा। तात तात हा तात बुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के नारे मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न दिखन पाए हो तो ही, तात न राम ही सापे हो मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहो विकुमरन हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुने सत्य वचन कहती के कई मरमो पाँच जनु माहुर दे, आदि होते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर उसमें जहर भर रही हो।
कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्नता से मन से सुना दी। भरत ही बिसरेउ पितु मरण सुनत राम बन गौन हेतु अपन बनऊ जान जे थकित रहे धरी मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित होकर रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलो की सुनत ही समुझति मन हो जरे बल लोन लगावती तात राउ नहीं सोचे सो जोगु बेड़े सुकृत जसु कीने हे भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका प्राप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म भल पाए अंत अमर पति सदन सिहाए अस अनुमान सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज रहित नगर का राज्य करो। सुनि सोट सहमे ओ राजकुमारु पाग छत जनुलाग अंगारु धीरज धरी भरी ले ही उसासा पापिन सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी का यह सुनकर बहुत ही सहम गए मानो पके पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन आपसे कर रही थी उस मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ और आप लोग वो वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि वो आपको मंदिर कैसा लगा। तो आपने वो मंदिर देखा, आपको वो मंदिर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप जो जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए एक थैंक्स, एक बड़ा वाला थैंक्स, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करते हैं अब आगे का पार्ट। जो बे कुरुचि करही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही पेड़ काटी ते पालो सींचा मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर दिया। हंस वंश दरसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधि सन कछु ना बसाई। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण जी से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊ खंड खंड होई हृदय न गयऊ बर मागत बन भई नहीं पीरा गरी न जी मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति जब तूने हृदय में यह बुरा विचार डाला उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते ही तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े पड़ नहीं गए।
भूमि प्रतीति तोरी किमि की न मरण कार विधि मति हरिली न विधि हो न नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर डाला। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुलील सुशील धर्मरत राऊ सो किमि जाने तिये स्वभाव असको जीव जंतु जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। बिना राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भय अति अहित राम तेई तो हुई को तु हसी सत्य कहू मोही जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई आँखी ओट उठी बैठे ही जाई। के श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, तू कौन है मुझे सच सच बता कह। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीने विधि मोही मो समान को पात की बाधी कहू कछु तो ही। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुगण मात कुटिलाई जरही गात रिस कछु न बसाई तेही अवसर कुबरी ते आई बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुगण के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। लखीरित भरे ऊ लखन लघु भाई भरत अनल घृत आहुति पाई हुमगी लात तकी कुबर मारा परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे हुए भूट कपारु दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु अहा दई मैं कहा नवा नसावा करत नीक भलु अन इस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते हुए मुझे बुरा फल मिला। तो आज का पार्ट मैं यहीं पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में एक नई उमंग एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और कल फिर मिलते हैं। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।